ये है विनोद। आ गए, मोदी जी का भाषण सुन के आ गए सब लोग। अब चलो आ ही गए तो सब लोग को विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग इंडियन फ्लैग का दो अलग अलग वर्जन बनाने वाला है, एक डोमिनो वाला वर्जन और एक बैनर वाला वर्जन। ये दोनों वर्जन बनाने में बहुत मजा आने वाला है और ये वर्जन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को पूरी देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। वो मुर्गी भी देखो उधर विनोद कर रही है स्विमिंग पूल के अंदर। तो गाइज, मुझे पता चला है कि नीचे जो लाइक का बटन है ना, उसको ये नहीं पता कि विनोद कौन है, तो उसको थोड़ा जोर से मारो और उसको बता दो कि विनोद कौन है, और उसको चिल्लाओ कि तेरे को विनोद नहीं पता, तेरे को विनोद नहीं पता, उसको इतना मारो कि ब्लू कलर का हो जाना चाहिए वो। पप्या, मेरे प्यारे पप्या, आज तो क्या बनाया, आज तो कुक बनाया क्या, ये हर रोज कपड़े बदलते रहता है। पप्या, तेरे को पता है ना आज इंडिपेंडेंस डे है। हाँ, तो आज के दिन कुछ तो स्पेशल, सॉरी कुछ तो विनोद होना चाहिए ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नसीब, हाँ बोला तू। वैसे इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन है जिस दिन सब लोग देशभक्त बन जाते हैं, है ना पप्या। फिर दूसरे दिन वही बेईमानी चालू। ऐसा मत करना गाइस, देखो पप्या भी बोल रहा है अगर देशभक्त बनना है तो दिल से बनो, दिखावे के लिए नहीं। तो गाइस, आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे फ्लैग के साथ कुछ विनोद सी चीजें की जाए। फुल ऑन विनोद लेवल, फुल ऑन ओपी लेवल करेंगे आज। गाइस, हमारा जो पहला हैक है ना, वो ट्राई करने के लिए हमें बीड़े के जमाने में जाना पड़ेगा। बीड़े के जमाने में मतलब माइनक्राफ्ट 1.12.2 में। तो चलिए बाबा जी की जड़ी बूटी खाकर जाते हैं बीड़े के जमाने में। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बीड़े के जमाने में, मतलब माइनक्राफ्ट 1.12.2 में। हाँ, शेकी झटके में बोल दिया ने, तो मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ। तो ये जो हैक मैं करने वाला हूँ ना, ये सिर्फ 1.12.2 और उसके नीचे ही चलता है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने शायद से फिक्स कर दिया। तो ये हैक है ना एक बग के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये हैक बहुत ही खूबसूरत है सच में। वेल, आप लोग देख ही लोगे अभी। तो ये हैक ट्राई करने के लिए मुझे पूरी खुली जगह चाहिए जो पूरी प्लेन हो और थोड़ी बड़ी हो। ये जो वर्ल्ड जनरेट हुआ ना, ये बहुत ही बढ़िया है गाइस, इसमें बहुत सारे रवीन्स है। ओहो, इधर एक ओशन मॉन्यूमेंट भी है, ये तो ओशन के अंदर होता है ना, तो ये बाहर कैसे। चलो जो भी है अच्छा ही है। ये क्या है? ओ हेलो मछली, हाय हाउ आर यू। तू क्या अटकी हुई है कि ऐसे ही डांस कर रही है? अच्छा, ये ऐसे ही डांस कर रही है, रहने दो इसको, नाचने दो इसको। ओहो, इधर और एक रवीन है, और ये कितनी खूबसूरत है, फुल विनोदोपी विनोदोपी गाइस, बहुत ही खूबसूरत रवीन है ये तो। अरे हाँ, ये जगह बेस्ट रहेगी ना, इधर मैं फ्लैग बनाता हूँ, मेरा पूरी सपाट जमीन है और ओशन मॉन्यूमेंट के सामने ही। तो ये फ्लैग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बेसिक सी चीजें चाहिए, एक ग्रास ब्लॉक चाहिए, एक नहीं मतलब बहुत सारे, फिर सैंड ब्लॉक भी चाहिए, फिर हमें कॉन्क्रीट पाउडर चाहिए क्योंकि हमें कलर बनाना है ना। ये दो ग्रीन में से ये लेता हूँ, लाइम थोड़ा अच्छा दिखेगा, और ये दो ब्लू में से ये डार्क वाला ब्लू ले लेता हूँ, और व्हाइट भी चाहिए ना, व्हाइट तो भूल ही गया था मैं। और इस बग का यूज करने के लिए हमें एक बुश चाहिए, ये रोज वाला बुश अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले ये प्लेन जमीन है ना, यहाँ से एक मार्कर स्टार्ट कर देता है ये इसके ऊपर, और इस डायरेक्शन में पूरा मेरा फ्लैग बनेगा, तो मैं यही पूरा ऊपर तक कंटिन्यूस बिल्ड करते जाना है। ओके, इतनी हाइट काफी होगी, पूरी ओशन मॉन्यूमेंट के जितनी ही है। अभी यहाँ से दो डायरेक्शन में आपको ब्लॉक्स लगाना है, एक तो ये डायरेक्शन में जहाँ पर हमारा फ्लैग होगा, और एक दूसरा डायरेक्शन यहाँ से जहाँ पर हम ये डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर करेंगे। यहाँ पर मैं टोटल 25 ब्लॉक लगाऊंगा, 22, 23, 24, 25। ओके, ये 25 ब्लॉक लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसके ये राइट एंगल में लगाना है। ये हमारा बेसिकली डोमिनो इफेक्ट का ट्रिगर होगा। जिन लोगों को डोमिनो इफेक्ट नहीं पता, तो एक को गिराने से सब गिरने लगते हैं, वो होता है डोमिनो इफेक्ट। तो उसके लिए हम ये पूरा साइड तक लगाने वाले है, इतना काफी हो गया शायद से। अब क्या करना है, ये रोज बुश लेना है और ये ऊपर लगाते जाना है, पूरा रैंडमली लगाना है, आड़ा टेढ़ा लगेगा तो भी चलेगा। ओके, इतने सारे फूल लग चुके हैं, वैसे ये भी काफी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन हमें इससे भी खूबसूरत चीज बनानी है। अभी इसके ऊपर सैंड रखना है, ये देखो ये ब्लॉक दिख रहा है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे सैंड प्लेस करना है। अगर आप रिसेंट वर्जन में जाओगे ना, तो ये सैंड नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये एक बग है जो माइनक्राफ्ट 1.12 और उसके पहले ही दिखेगा आपको। ओके, तो ये सारे सैंड के ब्लॉक्स लग चुके हैं। अब हमें बनाना है हमारा फ्लैग। तो फ्लैग का सबसे पहला कलर नीचे आएगा ग्रीन, इसको मैं 4 के हाइट पर बनाऊंगा। आप मेरे बिल्डिंग स्किल्स देख रहे हो, कितना फटाफट बना रहा हूं मैं, देखो। नहीं, ऐसे बीच बीच में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, चलता है, उतना माफ है। ओके, तो हमारा ग्रीन कलर हो चुका है, और अभी से ही मैं बोल सकता हूँ ये खूबसूरत दिखने लगा है, लेकिन हम बाकी के कलर्स भी डालेंगे तो और भी खूबसूरत दिखेगा।
फिल्टर। ओके तो हमारा व्हाइट कलर भी रेडी हो चुका है, अब व्हाइट के बीच में इधर अशोका चक्र बनाना है और वो परफेक्ट मिडल में होना चाहिए। तो हमारे ब्लॉक्स टोटल 25 है, 25 में से 4 हटा दो 21 हो गया, उसका हाफ हो गया 10.5, तो हम टोटल 11 ब्लॉक्स के बाद ही ब्लू कलर लगाएंगे। 1 2 3 कॉपीराइट। ओके ये बीच का खड्डा हो गया, वैसे परफेक्ट बीच में जो नहीं दिख रहा है चलेगा, इधर से एक कॉलम काट देंगे हम। अभी आपको क्या लग रहा है, मैं पूरा काटेगा? जीवन में थोड़ा स्मार्ट बनो, स्मार्ट ऐसे टॉर्च लेने का फिर इसको इधर रख के ऐसा लग देने का। हो गया, देखो ऑटोमेटिक कटता है। हाँ अभी ये चक्र मस्त बीच में लग रहा है। अभी इसके ऊपर अपन डाल देंगे ब्लू कलर। वैसे ब्लू कलर की भी एक डिजाइन है, इधर हम दो ही ब्लू डालेंगे, फिर व्हाइट डालेंगे, फिर इसके ऊपर दो ब्लू ऐसे, यहाँ पर भी दो ब्लू ऐसे, बीच में यहाँ पर आएगा व्हाइट और इसके ऊपर फिर से ब्लू। देखो ये हो गया चक्र और ये साइड में हम व्हाइट डाल देते हैं। ओके ये देखो चक्र कितना बढ़िया दिख रहा है ना, खूबसूरत मैंने बनाया है, खूबसूरत तो होगा ही। तो अभी हम चलते हैं ऑरेंज कलर बनाने के लिए। तो ब्लू मैंने इसलिए पहले डालने बोला था क्योंकि अगर आप तोड़ते तो ये पूरा ऑरेंज भी नीचे गिर जाता, फिर ज्यादा मेहनत लगती ना आपको। वैसे ये होने के बाद मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो आपको करना ही है, नहीं तो फिर सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। ओके तो हमारा ये फ्लैग रेडी हो चुका है। ओके हमारे ट्रिगर बीच में हो गया है, तो मैं इधर ही खड़े रहकर तोड़ूंगा तो ये पूरा साथ में फिर ये पूरा बड़ा गिरेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये नीचे का डर्ट तोड़ना है और अब देखो ये सैंड हवे में ही फ्लोट करेगा। ये डर्ट का पिलर भी हटा दो, इसका भी कुछ काम नहीं अभी। ओहो इतने सारे फूल सब मेरे लिए, वाह वाह वाह, उठा लो, काश कोई लड़की देती है। ओके तो अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, हमारा फ्लैग रेडी है तो अपने वर्ल्ड का ना बैकअप लेकर रखो। ओके तो मैं मेरे वर्ल्ड का बैकअप लेकर आ चुका हूँ, अब हम इस डोमिनो इफेक्ट को ट्रिगर करेंगे, फिर ये जो नीचे गिरेगा ना बहुत ओपी लगेगा गाइस, बहुत विनोद लगेगा। तो अभी मैं जाता हूँ इधर ही, ऐसा लग रहा है जैसा दिवाली के पटाखे में वो लगाते हैं ना ऐसा जला के भाग जाने का। तो अभी मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ और इसको तोड़ देता हूँ और ये गिरना स्टार्ट हो चुका है देखो डोमिनो इफेक्ट से। और अब आप देखिए हमारा फ्लैग भी डोमिनो इफेक्ट से गिर रहा है, वाओ कितना खूबसूरत था ये गाइस, दिस वाज अमेजिंग भाई, मुझे तो देखकर बहुत मजा आया। जो वेव इफेक्ट में गिरा ना ये फुल ओपी गाइस, फुल विनोद ओपी। तो अभी हमने इफेक्ट देखा लेकिन एक बार ये नीचे गिर चुका है तो ये वापस ऊपर तो जा नहीं सकता, इसीलिए मैंने बोला था अपने वर्ल्ड का कॉपी लेके रखो। अब मैं वो कॉपी वर्ल्ड लोड करूंगा और इसे फिर से गिराऊंगा, तो मुझे फिर से बनाने की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं विनोद दिमाग। तो ये लो मैंने मेरा कॉपी वर्ल्ड लोड कर दिया और ये अभी भी ऊपर ही है, सवाल होगा ये कॉपी वर्ल्ड था वो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इसको दूसरे तरीके से गिराएंगे। मैं सोच रहा हूँ इसको बीच में से गिराऊं, तो मैं ना एक ब्लॉक लूंगा और इसके बीच में रखूंगा एकदम, फिर हम लोग देखते हैं ये कैसे गिरता है। ओके फुल स्क्रीन मोड में चले जाओ। ओके तो मैं अभी यहाँ पर ब्लॉक प्लेस करने वाला हूँ, 3 2 1 गो। ओ वाओ ये तो पूरा एयरप्लेन का शेप में गिर रहा है, वाओ कितना खूबसूरत तरीके से गिरा है ये, वो एयरफोर्स का प्लेन रहता ना एकदम सुपरसोनिक जेट, बस उसी का शेप में गिर रहा था नीचे। और मुझे कहना पड़ेगा ये वाला पहले से थोड़ा अच्छा था, फिर से गिराएंगे हम। ये देखो ये पूरा प्लेन का विंग का शेप में नीचे गिरा, देखा कितना खूबसूरत था ये भाई, मुझे तो बहुत मजा आ गया सच्ची, इस विनोद इफेक्ट को देखकर मेरी विनोदता विनोद से भर गई, वाह वाह क्या बोला मुझे भी नहीं समझा। तो ये था हमारा पहला हैक गाइस, अभी दूसरे हैक के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारे जमाने में। तो हम लोग बीड़ी के जमाने से हमारे जमाने में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं हमारा दूसरा हैक, और अगर आपको ये उठा ले रहे बाबा लिफ्ट के बारे में नहीं पता तब कौन से जमाने में जी रहे हो। तो हमारा दूसरा जो हैक है ना उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एक लूम, अरे लूम नहीं लूम, हाँ ये वाला, इसके अंदर हम लोग बैनर डाल के बनाएंगे, तो हमें ऑफ कोर्स बैनर तो चाहिए ही, और फिर ये बैनर पैटर्न भी चाहिए जिसका नाम है फ्लावर चार्ज, और कलर्स डालने के लिए डाइस तो चाहिए होंगे, तो 2 ऑरेंज डाइस लेने हैं हमें और 2 ग्रीन डाइस, वैसे ये दोनों में से ये ग्रीन ही अच्छा है, और ब्लू डाई भी चाहिए आपको, और व्हाइट फिर से भूल गया मैं इधर। तो सबसे पहले लूम को लेना है, इसको किधर भी प्लेस करना है फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली ये फ्लैग बनाने का 2 तरीका है, मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, दोनों तरीकों से फ्लैग अलग अलग दिखता है थोड़ा, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा फ्लैग अच्छा दिखता है। तो फिर ये बैनर डाल दिया, इसके बाद ये फ्लावर चार्ज डालना है और हमें ये ब्लू डाई डालनी है क्योंकि हमें ये अशोका चक्र बनाना है, वैसे तो एक ही पैटर्न दिख रहा है तो यही उठा लेते हैं हम। फिर से एक बार बैनर अंदर, और अभी आएगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज ये स्ट्राइप में चाहिए हमें, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर थोड़ा ब्लर है ना, इसलिए हमें ये है ना 2 बार करना पड़ता है, इसलिए अभी देखो ये पूरा शार्प हो गया। अब बारी है
ग्रीन कलर की, ग्रीन ये शेप में आएगा, फिर से एक बार ग्रीन ये शेप में। अब देखो ये पूरा क्लियर है और ये हमारा इंडियन फ्लैग बन चुका है। ऐसे ये अशोका चक्र थोड़ा अजीब दिख रहा है बीच में, इसे हम यहाँ पर डालकर देखते हैं। ऐसे अच्छा दिख रहा है, नॉट बैड, सिर्फ ये अशोका चक्र थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो अब मैं आपको है ना दूसरा तरीका दिखाता हूँ, दूसरे के लिए फिर से सारा सामान लेना पड़ेगा। तो दूसरे के लिए हमें फिर से वही बैनर लेना है, लेकिन पहले स्टेप में हमने पहले फ्लावर चार्ट डाला था ना, तो इस बार हम नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट ब्लू डाई डालेंगे और फिर इसमें हमारा अशोका चक्र सर्च करेंगे। ये वाला, ये बनेगा हमारा अशोका चक्र। ऐसे इसके ऊपर व्हाइट भी आएगा, इसीलिए मैंने व्हाइट यूज किया इधर। व्हाइट फिर से हम सेम पैटर्न ट्राई करके देखते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं दिखता, इससे छोटा वाला पैटर्न चाहिए, या फिर हम ये डालकर देखते हैं। तो हाँ ये वाला पैटर्न मस्त है, गोल, बस यही वाला पैटर्न फिक्स करना है। अब फिर से वही दो बार ऑरेंज, नहीं 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 भाई ये नहीं, ये तो कोई तो अलग ही फ्लैग बन गया। हाँ ये वाला सही है, फिर से वही दो बार रिपीट करना है और फिर ग्रीन कलर भी डालना है। देखिए मैं कितना फटाफट कर रहा हूँ, स्किल चाहिए इसके लिए यू नो। और ये हमारा फ्लैग बन चुका है, तो इस फ्लैग को मैं इसी के बाजू में लगाता हूँ, फिर हम देखते हैं कंपेयर करके कौन सा अच्छा दिख रहा है। ऐसे मेरे ख्याल से ना ये सेकंड वाला बहुत मस्त दिख रहा है। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये भिड़े के जमाने वाला फ्लैग अच्छा है कि हमारे जमाने वाला फ्लैग अच्छा है। पर्सनली बोलूं तो मुझे हमारे जमाने का फ्लैग ही अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन डिजाइन है इसका और ये थोड़ा बीच में गंदा हो गया। तो जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में स्पैम करते हो ना विनोद विनोद, मैं इधर माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स के ऊपर स्पैम करने वाला हूँ। मैं ये बैनर लेके ऐसे ही अंधाधुन किधर भी लगाते जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा लगता है भाई, बहुत मजा आएगा। लगा दो जिधर दिखता है, आंख बंद करके लगा दो, बस माउस के ऊपर से अपना हाथ उठाना ही नहीं है, पूरा जगह भर देना है। ओहो चारों तरफ देखो, ये तो पूरा बुलबुलैया बन गया। अपन उड़ के देखते हैं ना, ओ क्या स्पैम किया है भाई, ये एक्चुअली ऐसा दिखता है, इंडिया का फ्लैग बनाकर बाहर सुखाने के लिए डाला है। सेम वैसा ही दिखता है। तो ये अपना स्पैम तो हो गया, लेकिन इसको साफ कौन करेगा? पप्पा देखो चुपके से देख रहा है इधर, क्या चल रहा है इधर। पप्पा तू साफ करेगा? देखा मुड़ गया, ऐसा ही करता है वो हमेशा, कुछ काम नहीं करता है। चलो भाई ये सब तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। ओ ये तो एक टावर बन गया। ओके टावर बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ओ फ्लैग का टावर बन गया, वाह कितना मस्त दिख रहा है। ये एरिया देखो तो सही जरा, ये सब नीचे बहुत स्लो स्लो सूख रहा था, इसीलिए सब एक के ऊपर एक डाल दिया, अभी फटाफट सूखेगा। मस्त कड़ी धूप लग रही है इसको। फ्लैग टावर बनाना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन नहीं बाबा उतना ऊंचा नहीं बनाने वाला मैं। तो चलो भाई ये पूरा एरिया साफ करते हैं, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। 11 मिनट्स लेटर। चलो भाई फाइनली पूरा एरिया साफ हो गया, बहुत मेहनत लगी डॉगी, बहुत मेहनत। अरे इधर है अपना पपिया, खाना पका रहा है खाना। ए पपिया ये फ्लैग देख कितना मस्त है, देख क्या हो क्या हो, देखना ये देख। चल पपिया ये इधर रखते है, एक फोटो खींचता है, मस्त खचाक। मस्त मस्त दिख रहा है तू पपिया, थोड़ा पोज मारना, ऐसा हाथ नीचे क्यों रखा है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा आज के वीडियो में हमने इंडिया के फ्लैग को दो अलग अलग तरीकों से बनाया, एक था डोमिनो इफेक्ट और दूसरा था ये बैनर। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही फनी क्रिएटिव कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।